नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटोरिया थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर गांव में पत्नी से झंझट कर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर निवासी स्वर्गीय कारू शर्मा के पुत्र कीर्तन शर्मा के रूप में पहचान की गई है। मृतक की पत्नी मुन्नी देवी ने बताया, मेरा पति विक्षिप्त व्यवस्था में हो गया था, बराबर घर में झंझट कर पत्नी के साथ मारपीट करते रहता था। 3 दिन पूर्व पत्नी के साथ मारपीट कर घर से निकल गया था और घर से निकलने के दौरान धमकी भी दिया था कि तुम्हें 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा। पत्नी अपने स्तर से सगा संबंधियों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। शनिवार को गांव के किसी व्यक्ति ने देखा, गांव के बगल के कुएं में लाश तैर रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। परिजन कुओं के पास पहुंचकर लाश की पहचान कीर्तन शर्मा के रूप में की गई है। घटना की जानकारी कटोरिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर कटोरिया थाना परिसर ले आया और आवश्यक कार्यवाही करते हुए पत्नी मुन्नी देवी के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा है। कोई कहता है युवक को कोई मारकर कुआं में फेंक दिया है, कोई कहता है पत्नी से झंझट कर गुस्से में आकर कुएं में कूदकर जान दे दी गई है। भागलपुर बांका बॉर्डर के सुदूर क्षेत्र कोतवाली धनकुंड में संत मेही ट्रस्ट के अंतर्गत संत मेही इंटरनेशनल स्माइल पब्लिक स्कूल का आज भव्य शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य गेट पर फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके बाद नृत्यम डांस अकेडमी ग्रुप द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। साथ ही विद्यालय परिसर में मंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण किया। मंत्री ने कहा, शहर के साथ साथ गांव भी अब स्मार्ट हो रहा है, गांव के बच्चे सही शिक्षा हासिल कर सके, इसको लेकर सुदूर क्षेत्र में संत मही इंटरनेशनल स्कूल खोला है। उन्होंने कहा, गांव हमारा स्वच्छ होगा और हर गांव में सम्राट अशोक भवन भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें, संत मही इंटरनेशनल में डे बोर्डिंग बेहतर फैसिलिटी के साथ हॉस्टल, सभी क्लास में स्मार्ट सिटी क्लास की सुविधा दी गई है। साथ साथ क्लास नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान पवन यादव, TNV कॉलेज के पूर्व प्राचार्य RCP वर्मा, किशनगंज जेल के जेल अधीक्षक निरंजन कुमार पंडित, स्कूल प्रबंधक समिति के लव कुमार, चंदन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मैं इस मिशन को लेकर चला हूँ, जैसे और मिशन विदेशों से आकर हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को चौपट कर रहा है, मैं अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के करके दिखाऊंगा। हम लोगों के प्रधानमंत्री महोदय भाई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ऐसे चलो शहर, चलो अब गांव की ओर। इसलिए हम लोग सुदूर गांव से ही स्टार्ट किए हैं। इतनी बड़ी ये भागलपुर जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये स्कूल खुल कर के भागलपुर जिला है, लेकिन ये जगह बांका भी घुसा हुआ है और ये दोनों जिला का बच्चा जो है यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए और किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो सुदूर होना ही नहीं है, इसी काम के लिए हम लोग को दायित्व मिला है कि जिस तरह शहर में चीज़ों को स्थापित किया गया है, वहाँ लाइट होता है, वहाँ कचरा प्रबंधन का काम किया जाता है, उसी तरह गाँव को भी अब स्मार्ट बनाना। उसी स्मार्टनेस के दौर में जो लोग एक तरह से, ये तो सहयोग है, सरकार को सहयोग है, हम सरकार में स्कूल बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग भी खड़ा होकर सहयोग कर रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए इनको पूरी तरह जो भी मदद होगा सरकार करेगी। लेकिन बांका जिले के धौरैया प्रखंड के कई वार्ड सचिवों ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वार्ड स्तर पर संचालित अनुरक्षक की बहाली में वार्ड सचिव को ही प्राथमिकता देने की स्पष्ट को लेकर पत्र जारी करने के संबंध में तथा वार्ड सचिवों ने प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड सचिव संघ के बांका के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने कहा, हम वार्ड सचिव 5 वर्षों से लगातार गली नाली तथा नल जल योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में अब तक कुछ भी नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था 5,000 रुपये तक दिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, जिससे हम लोग गरीबी में जीने को विवश हैं। 2017 में से हम लोग कार्यरत हैं सर, 4 वर्षों से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को के तहत हम लोग ने बिहार के नली गली और जल नल को चमकाने का काम किया है सर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर वार्ड तक सचिव हैं, सभी को वेतन देती है सरकार, लेकिन हम लोग विगत 4 वर्षों से भूखे पेट काम कर रहे हैं सर।
यही नहीं, सरकारी योजनाओं में किसी प्रकार की अगर धांधली होती है तो उसका मेरे ऊपर जो है कसा जाता है, मारा जाता है और हमें जेल भी दिया जाता है। सरकार से हम लोग क्रमबद्ध प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, मंत्री, नेता, विधायक सभी लोगों को कहे हैं कि हमको सर वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम लोग अमरपुर स्थानीय रेफर अस्पताल में टीबी बीमारी को लेकर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रेफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए रेफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने बताया कि टीबी बीमारी का सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच के साथ साथ समुचित उपचार किया जा रहा है। साथ ही बीमारी होने के बाद मरीजों को दवाई के साथ साथ प्रतिमाह मरीज के खाते में 500 रुपये की राशि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजी जाती है और जब तक मरीज की दवाई चलती है तब तक मरीज के खाते में पैसा भेजी जाती है। टीबी बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसलिए मरीज को बेझिझक अस्पताल आकर जाँच करानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, एक सप्ताह से अगर खांसी हो, दिन प्रतिदिन वजन कम हो रहा हो या आलस का अनुभव हो तो बेहिचक अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराना सुनिश्चित करें। उचित जांच और समय पर इलाज से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, डाटा केयर मोहम्मद जफर मकबूल, आदित्य आनंद समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।